दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेयरी फार्मिंग विद अखलाक रिज़वी पेज से सैयद अखलाक अहमद रिज़वी। आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन इलाज टोटका बताता हूँ, जो छोटा सा इलाज है। इस तरह की मेडिसिन आप हर वक्त घर में रखें, नई तूड़ी की वजह से या किसी भी वजह से। बाज़ औक़ात आपकी गाय, आपकी भैंस, आपके किसी भी जानवर के पेट में दर्द हो जाता है, मरोड़ हो जाती है, जानवर उठता बैठता है, तो आप डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर ने 1500-2000 आपसे ले लेना है। खुदा ना खास्ता डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलता तो आपका जानवर भी एक्सपायर हो सकता है, अफारा हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। उसका बेहतरीन सा एक छोटा सा नुस्खा है, इंशाल्लाह अज़ीज़ 15-20 मिनट के अंदर, एक घंटे में आपका जानवर ठीक हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी है तो वो कम से कम एमरजेंसी तो दूर हो जाएगी ना। अगर आपको डॉक्टर वगैरह नहीं मिलता तो आप ये इलाज कर लिया करें। काल को फोर्ट सिरप ले लें, वो आप डाल लें एक बर्तन के अंदर, 100 ग्राम मीठा सोडा डाल लें और 1 पाव सरसों का तेल डाल लें और डाल दो, और तकरीबन जो है ना जी नीम गर्म पानी वो आप डालने, मकसद है कि कोई 1 पाव 1.5 पाव, ये आपका तकरीबन आधा किलो से 3 पाव का एक लिक्विड बन जाएगा और ये आप अपने जानवर को दे दें। ये अक्सर उबिश्तर देखा गया है, किसी ना किसी जानवर को आपके फार्म के ऊपर अफारा, गैस, पेट में दर्द, नई तूड़ी की वजह से, नए चारे की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से ये जानवर को हो जाता है। और फार्मर इस वजह से जो है ना जी या तो कोई नुकसान कर बैठता है या फिर 3-4-5 हज़ार रुपया अपने डॉक्टर को दे देता है। तो ये मामूली सी बात है, ये फार्म पे हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, ये अपने जानवर को दे दिया करें आप। दोबारा नुस्खा रिपीट कर देता हूँ, काल को फोर्ट सिरप बाजार से आपको मिल जाएगी, आपके फार्म पे हर वक्त होनी चाहिए। 100 ग्राम मीठा सोडा, 1 पाव सरसों का तेल और 1 पाव जरा पानी गर्म करके डाल दें। इस तरह पानी बन जाए, नीम गर्म हो कि उंगली बर्दाश्त करे, और ये आप अपने जानवर को दे दें। पेट में दर्द की सूरत में, अफारे की सूरत में, गैस की सूरत में, इंशाल्लाह अज़ीज आपका जानवर नुकसान से बच जाएगा। उसके बाद आप जो मर्जी इलाज करते रहें, किसी डॉक्टर को दिखा लें। ये एमरजेंसी नुस्खा है जिससे आप अपने जानवरों को दे सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं, नुकसान से भी बच सकते हैं। जानवर की तकलीफ़ होती है बड़ी शदीद, तो ये किसी भी जानवर को किसी भी वक्त हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।